नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। इस वक्त की बड़ी खबर चिराग पासवान से जुड़ी है। जी हां, नए साल की शुरुआत में ही चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है, जहां पर अब चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी मिली है। जी हां, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी के साथ नजर आए हैं, फिर वो कुढ़नी उपचुनाव हो या फिर नीतीश कुमार को लेकर, वो हमेशा बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी की, उसके बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तरफ से चिराग पासवान को ये एक नए साल की मौके पर तोहफा दिया गया है, जहां पर अब चिराग पासवान को भी जेड सिक्योरिटी मिली। आपको बता दें कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहा जाता है। क्या कुछ खबर है पूरी हम आपको बताने वाले हैं। भारतीय राजनीति में खुद को पीएम का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब विशेष सुरक्षा में घेरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बाद बिहार के नेता चिराग पासवान को यह सुविधा देने का फैसला लिया है। लोजपा रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान जमुई से सांसद है। केंद्र सरकार उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करेगी। बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। वहीं खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में चिराग पासवान की जान को खतरा बताते हुए अपनी रिपोर्ट दी है। इससे पूर्व चिराग पासवान की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। सुरक्षा मिलने के बाद चिराग पासवान अब वीआईपी की श्रेणी में आ गए हैं। उनकी सुरक्षा में 33 सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा 10 सुरक्षा कर्मी हथियार के साथ उनके आवास पर तैनात रहेंगे। साथ ही साथ 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 3 शिफ्ट में आर्म्स स्टॉक के 12 कमांडो और 3 ट्रेड ड्राइवर राउंड द क्लॉक में उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। केंद्र सरकार की राय की सुरक्षा को अपग्रेड करते हुए उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। चिराग पासवान से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी ज्यादा खुश है। चिराग ने अपने वादे के तहत बिहार में उपचुनाव में बीजेपी का साथ दिया है। चिराग पासवान को मिली सुरक्षा को उनके मंत्रिमंडल में मिलने के पद से जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान को केंद्र में जगह मिलने वाली है, इसलिए आनन फानन में सुरक्षा प्रदान की गई है। चिराग पासवान ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी महागठबंधन को गोपालगंज और कुढ़नी में पराजित भी कर पाई। इसमें चिराग पासवान की भूमिका देखी जा रही है। चिराग पासवान से बीजेपी काफी ज्यादा खुश है, इसीलिए उन्हें ये सुरक्षा दी जा रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय जज सह जमुई सांसद चिराग पासवान अब जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई है। ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार उपचुनाव गोपालगंज और कुढ़नी में जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ दिया, कयास ये लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान को केंद्र की सरकार में भी एक बड़ी जगह मिलने वाली है, जिसके बाद अब चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई है। अभी इस वक्त की बड़ी खबर चिराग पासवान से जुड़ी है, जहां पर चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी मिल गई है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।